कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की तरफ से चंद्रन गुट्टा एक्स रोड से लेकर चार मीनार तक तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली का मुद्दा केसीआर को उनके झूठे वादे याद दिलाने का है। केसीआर जी जो वादा करे इलेक्शन टाइम पे कि आप मेरे को जिताइए, मेरी पार्टी को जिताइए, मेरे एमएलए एमपी को जिताइए, चार महीने में तमिलनाडु की शक्ल में 12% रिजर्वेशन देता हूँ। असदुद्दीन पार्टी उनके साथ अलायंस में है और अफसोस की बात है यहाँ पे आवाज़ उठाने के बजाय यहाँ के कायद हबीब मिल्लत नकीब मिल्लत बॉम्बे में तिरंगा रैली निकाले हैं आज, जिसका मुद्दा था फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन, फॉर आर राइट्स, फॉर आर फ्यूचर। क्या हैदराबाद की आवाम 12% की हकदार नहीं है? क्या हैदराबाद की आवाम के हकूक़ नहीं हैं? हैदराबाद की आवाम का मुस्तकबिल नहीं है? एक भी बार असदुद्दीन ओवैसी जो है आवाज़ नहीं उठाए यहाँ की कौम के लिए, मिल्लत के लिए। केसीआर को याद नहीं दिलाए कि वक्फ बोर्ड का जो जुडिशरी पावर देना जा रहे थे वो भी नहीं दिए। एससीजी जो माइनॉरिटीज़ के लिए था वो भी नहीं दिए। अजमेर शरीफ का रुबात बनाने का था वो भी नहीं हुआ। केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री बोले वो भी नहीं हुआ। दलित्स को बोले 3 एकड़ ज़मीन देंगे वो भी नहीं हुआ। डबल बेडरूम का भी नहीं हुआ, सिर्फ केसीआर जी के झूठे वादे हुए और असदुद्दीन ओवैसी खामोश बैठे रहे यहाँ पे। जबकि केसीआर जी वादा करे, बॉम्बे में तो कोई भी पार्टी वादा नहीं करी रिजर्वेशन का, और जब कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दी, कांग्रेस पार्टी की देन है ये रिजर्वेशन, वाईएसआर राजशेखर जी की तरफ से ये रिजर्वेशन मिला। अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, अल्लाह ताला की रहमत थी, तब भी असदुद्दीन ओवैसी बोले मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि ये इस्लाम में नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है, बांटना नहीं है और ये कमज़ोर मुद्दा है, ये रद्द हो जाएगा कोर्ट में। लेकिन कोर्ट 4% रिजर्वेशन दी, जिसकी बदौलत कई हमारे गरीब बच्चे जो हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने, अपने पैरों पे खड़ा हुए, अपने मुकाम हासिल करे। और अब उसी रिजर्वेशन की बात करने असदुद्दीन ओवैसी मुंबई गए हैं, कितनी गलत बात है। आप यहाँ के एमपी होते हुए यहाँ की बात कीजिए, आप यहाँ की आवाम के लिए आप आवाज़ उठाइए। हमारा यही मकसद है तेलंगाना की आवाम को याद दिलाना कि आपके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको कैसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल कैसा किया जा रहा है, आपके जज्बात के साथ कैसा खेला जा रहा है, और आपके साथ जो भी वादे कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे वो सारे झूठे हैं, वो सारे खोखले वादे हैं। और इस मीटिंग में मेरे सब भाई रैली में, ईसा भाई हैं, शकील भाई हैं और राशिद खान हैं, मतीन शरीफ है, शेख अफजल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब लोग जो हैं इस पार्टी में, इस रैली में शिरकत करें और इस रैली को कामयाब बनाएं। शुक्रिया।